Welcome to my YouTube channel बादशाह क्रिएशंस एंड मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ बाबा साईं मीरा बख्श के दरबार पे हम आए थे पूंछ गुंतरियाँ। तो मैं अच्छा आपको भी व्यू दिखाता चलो। और जो मेरी आप बैक साइड देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर है पाकिस्तान का, इसके इस साइड में जो है इंडिया और इस साइड में पाकिस्तान है। तो मैं अच्छा आपको भी दिखा लूँ और आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट करके दिखाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का पता चल सके, अपडेट मिल सके। ये देखिए अब ज़ियारत साईं बाबा की जो अब दिख रही है सामने, इसके उस साइड में बॉर्डर है। जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है इसके उस साइड में पाकिस्तान है। इस पहाड़ी के ऊपर जाना हमें जहाँ पे ज़ियारत दिखाई दे रही है ये वाली। वेलकम ऑल, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ जो कि बॉर्डर है पूंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के, पूंछ डिस्ट्रिक्ट के एंड पे। यहाँ पे हम ज़ियारत पे आए थे तो मैंने आपको भी व्यू दिखाता चलो और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ज़ियारत का आपको भी दीदार करवाएंगे और आपको मैं बॉर्डर दिखा रहा हूँ। ये बॉर्डर है जो ये दिख रहा है, ये वाला बॉर्डर जो ये उंगली देख रहे हैं मेरी, इससे ऊपर बॉर्डर सीधा ये दिख रहे हैं बॉर्डर। एंड इसके जो इस साइड वाले घर दूसरी कंट्री के, एंड इस साइड में हमारा आ गया सारा। और ये जो है ज़ियारत साईं बाबा के ऊपर, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ तो आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा। ये लोग जो कि यहाँ पे ज़ियारत पे आते हैं दरगाह पे हाजिरी देने के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके ज़ियारत शरीफ पे। तो ये आप देख सकते हो आउटलुक ऑफ दी ज़ियारत दरगाह शरीफ, ये लोगों का आना जाना और अंदर इनका जो है वो अंदर से भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए लोगों का आना जाना अभी भी लगा हुआ है। और ये भी ये मस्जिद है यहाँ पे, और क्या ये मस्जिद है यहाँ की, अंदर दुआ करते हैं लोग जाके यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं और ताकि जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं वो भी आ सकें और यहाँ पे आके ज़ियारत का दीदार कर सके, हाजिरी अपनी दे सकें। और जिनको कोई तकलीफ दर्द दुख होता है तो उनकी भी दूर हो जाती है तकलीफ दुख, अगर वो यकीन रखेंगे तो, अगर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किल है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा बॉर्डर जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये बॉर्डर है। ये आप देख सकते हैं ये जो पूंछ से रोड आती है, ये पूंछ हमारी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की, यहाँ से हम सफ़र करके ज़ियारत पे आते हैं। ये जो रोड दिखाई दे रही है इस साइड ऊपर आ जाते हैं तो ये रोड जो जा रही है सीधा पाकिस्तान एरिया में जाती है। तो ये जो गांव देख रहे हैं आप सीधा, तो ये जो ये हिंदुस्तान का गांव है, अपने शहर है ये गाँव है। तो इसके बाद जो बॉर्डर शुरू होती है सर आपको मैं बताता चलो, ये जो दिख रही है आपको ये वाली छोटी बॉर्डर फर्स्ट बॉर्डर यहाँ से सीधा नीचे, इस बॉर्डर की इस साइड में जो है पाकिस्तान का एरिया पड़ता है। ये गांव जो है ये पाकिस्तान का है, सामने बिल्कुल नज़दीक है, दो मिनट का सफ़र भी नहीं है। और ये जो है ये एरिया, इधर से आपको मैं बॉर्डर दिखाता हूँ, ये तो इस साइड तो बिल्कुल नज़दीक है। हाँ ये
देखे आप सीधा वहाँ के चौकी उन्हें भी वहाँ पार है बूटों को इससे उस साइड में पाकिस्तान है ये हम पार में उसके बॉर्डर है देखो आप सीधा इसके उस साइड में जो है पाकिस्तान है हाँ वो पार ले ये जो बॉर्डर है आप देख सकते हो ये फर्स्ट फेंसिंग ऑफ अवर कंट्री यू नो फर्स्ट फेंसिंग है इसकी ये जो फेंसिंग आ रही है यहाँ से देखो आप सीधा यहाँ तक है उसके उस साइड में जो ये एरिया ये उनका पड़ता है दिस इज द व्यू देखिए फर्स्ट फेंसिंग यहाँ पे चौकी आर्मी की हमारे बॉर्डर आपको मैं एक पेड़ बताऊंगा यहाँ पे अगर जूमिंग में हो गया तो ये इंडिया की तरफ है हमारी तरफ पेड़ है और फल पाकिस्तान में गिरता है इसका ये गौर से आप देख सकते हो गौर से देखिए ये जो पेड़ है इस साइड इंडिया उस साइड पाकिस्तान तो इससे देखो आगे फेंसिंग हुई है यहाँ से फल नीचे गिरते हैं सीधा ये है सिस्टम दिस इज द सिस्टम द फेंसिंग यहाँ पे आना ज़रूरी बहुत अच्छी दरगाह हाजरी इंशाल्लाह कबूल करेगा आपकी भी सबकी हमारी भी थैंक यू फॉर वाचिंग और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फोटो तो नहीं बनाया हमने एक दो तो होने चाहिए भाई गाइस मैंने आपको बताया यहाँ पे जो बॉर्डर थी बॉर्डर का व्यू दिखाया और ज़्यारत का व्यू दिखाया और बॉर्डर का मैं आपको बोलना भूल गया था कि जो ये फेंसिंग है ये फर्स्ट एंड लास्ट फेंसिंग है इसके बाद कोई फेंसिंग नहीं आती जो पूरा एरिया है इसके बाद पूरा पाकिस्तान में आता है तो इस साइड में जो ये इंडिया का है तो वीडियो को पूरा आपने देखा शुक्रिया और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और कॉमेंट में बताइए हमें आपको ये एरिया कैसा लगा और आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा बहुत पीसफुल एरिया है शेलिंग वगैरह कुछ नहीं होती यहाँ पर तो इंजॉय कीजिए आगे यहाँ पे नज़ारा लीजिए ब्यूटी ऑफ नेचर और दरगाह पे आके आप अपनी हाजिरी दीजिएगा थैंक यू